हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मी डिलाइट्स फॉर फूडीज। आज मैं आप सबसे एक स्पाइसी चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे फ्लेवर्स यूज किए हैं और बहुत ही मजे का बनता है। फ्रेंड्स, एक बार आप सब इस रेसिपी को ट्राई करके जरूर देखना और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताना जरूर। इसके लिए सबसे पहले मैं मसाला पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्याज, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून मेथी, 15 से 20 काली मिर्च, 1.5 टीस्पून धनिया और 5 से 6 सूखी लाल मिर्च ले लिए हैं। और मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक, 5 से 6 क्लोव गार्लिक के भी ले लिए हैं। सभी चीज़ों को ये देखिए ग्राइंडर जार में मैंने ऐड कर लिया है और एक फाइन सा पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं कढ़ाई में सरसों का तेल ऐड करूंगी और तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं प्याज, ये देखिए यहाँ पर मैंने 5 से 6 बड़े प्याज लिए हैं और प्याज को 1/2 टीस्पून हल्दी, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और 1 टेबल स्पून सिरका के साथ मैरिनेट कर लिया था 1 घंटे के लिए। प्याज को ऐड कर देना है और फ्राई करके निकाल लेना है। प्याज हम जितने पर्सन हैं उस हिसाब से मैंने यहाँ पर होल प्याज लिए हैं। 1/2 केजी चिकन है तो 5 बड़ा साइज का प्याज ले लिया है। अगर मद्रास ओनियन आपके पास हो तो 8 से 10 लेना और उससे और ज़्यादा अच्छा बनेगा। प्याज को तेज आंच पे हल्का सा कलर आने तक मैंने फ्राई कर लिया है और फिर इसमें तड़का जाएगा। तड़का के लिए मैंने 1 टीस्पून राधुनी सेलरी सीड ले लिया है, अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है। 1 टीस्पून जीरा, 5 लौंग, 3 हरी इलायची, 1 छोटा स्टिक दालचीनी का, 1 छोटा सा जावित्री और 2 बड़ी इलायची लिए हैं। सारे गरम मसाला को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था, ऐड कर देना है। 2 तेजपत्ता भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तड़का जब क्रैकल हो जाएगा फिर इसमें मसाला पेस्ट जाएगा। मैंने जो मसाला पेस्ट तैयार किया था उसको ऐड कर देना है। मसाला पेस्ट ऐड करने के बाद नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट जाएगा। मैंने ऑलरेडी चिकन को दही, नमक और हल्दी के साथ मैरिनेट कर रखा है तो बस नमक ग्रेवी के हिसाब से जाएगा। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने मसाला पेस्ट में सूखी लाल मिर्च ऐड कर रखा है। सभी मसालों को थोड़ी देर भून लेना है। मसाला को जस्ट 1/2 मिनट तक सॉटे कर लेना है और फिर इसमें चिकन जाएगा। तो मैंने 1/2 केजी चिकन को 1/2 टीस्पून हल्दी, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और 2 टेबल स्पून दही के साथ मैरिनेट कर रखा है, ऐड कर दूंगी। चिकन ऐड करने के बाद चिकन को मसाले के साथ 1.5 से 2 मिनट तक तेज आंच पे भून लेना है। अच्छी तरह से भून लेना है जब तक चिकन का कलर बिल्कुल चेंज नहीं हो जाता। और फिर इसमें हरी मिर्च और टमाटर जाएगा। तो मैंने बारीक कटी हुई 3 हरी मिर्च लिए हैं और 3 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं, ऐड कर दूंगी। टमाटर और हरी मिर्च ऐड करने के बाद 1 कटोरा मैंने मटर ऐड कर दिया है और एक बार सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। फिर टमाटर के सॉफ्ट होने तक चिकन को मैंने पका लिया था। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाने के बाद ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल गया है और चिकन 1/2 डन हो गया है। अभी पूरी तरह से नहीं पका है, थोड़ी सी कसर चिकन में बाकी है। तो इस स्टेज पे मैंने जो प्याज को फ्राई करके रखे थे ऐड कर दिए हैं और एक बार मिक्स करके फिर इसमें ग्रेवी जाएगा। तो मैंने 1 ग्लास पानी ऐड किए हैं। आप अपने हिसाब से ग्रेवी कम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर राइस के साथ खाना है तो थोड़ा सा आप ज़्यादा ग्रेवी ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करना है और फिर ढक के चिकन को स्लो फ्लेम पे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाना है, जब तक चिकन पूरी तरह से पक नहीं जाता। तो ये देखिए कसूरी मेथी मैंने ऐड कर दिया है और अब चिकन को ढक के 7 से 8 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पका लूँगी। तकरीबन 8 मिनट से चिकन पक रहा है और चिकन बिल्कुल डन है। प्याज के अंदर ग्रेवी का फ्लेवर अच्छी तरह से जा चुका है तो लास्ट में मैंने कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दिए हैं और चिकन को मैं डिश आउट कर लूँगी। ये चिकन की रेसिपी थोड़ी सी स्पाइसी होती है तो जो मेरे फ्रेंड्स स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं वो मिर्च अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं।
और जिनको स्पाइसी पसंद है उनके लिए तो ये बेस्ट डिश है। और इसे आप चपाती, नान, राइस, पूरी, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू रेसिपी डालूं आप सबको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।